हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे और एक न्यू वीडियो पर। दोस्तों, अगर आप अपने जियो सिम का इंटरनेट को लेके बहुत ज्यादा परेशान हो गए हो, अगर आपका इंटरनेट घर में नहीं चल रहा है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। यहाँ पर मैं आपको जियो का एक ऐसा AI APN सेटिंग बताने वाला हूँ जिस सेटिंग को अगर आप अपने फोन पर करते हो तो आपका जो नेटवर्क प्रॉब्लम है जियो का वो परमानेंटली सॉल्व होने वाला है। तो कृपया करके आप इस वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक वॉच करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको आना है अपने फोन पर। आने के बाद अपने फोन की सेटिंग को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपको दिख जाएगा सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क्स का ऑप्शन, तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको जियो सिम का ऑप्शन दिख जाएगा, तो इसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको दिख जाएगा एक्सेस पॉइंट नेम्स का ऑप्शन, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो नीचे की तरफ आपको दिख जाएगा प्लस का आइकॉन, न्यू APN लिखा हुआ, तो यहाँ पर टैप कीजिए। टैप करने के बाद आपको लेके आ जाएगा एडिट एक्सेस पॉइंट पर और आपके सामने एक ब्लैंक फॉर्म आ जाएगा, तो इसको फिलअप करना है। जैसे ही मैं अपने फोन पर कर रहा हूँ, सेम टू सेम आप अपने फोन पर करिए और उसके बाद देखिए कि आपका इंटरनेट स्पीड कितना ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। सबसे पहले आपको नेम पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है J कैपिटल लेटर में, I और स्मॉल लेटर में, एक स्पेस लगाइए। फिर आपको लिखना है AI दोनों कैपिटल लेटर में और एक स्पेस लगाना है। फिर आपको लिखना है B कैपिटल लेटर में और AT स्मॉल लेटर में। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है जियो AI बोर्ड, सेम टू सेम आपको लिखना है और एक स्पेस लगा के आपको यहाँ पर लिखना है 4G। जी जो है वो कैपिटल लेटर में होगा, देन उसके बाद ओके कर दीजिए। ये जो नेम है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पर आपको दिख जाएगा APN ऑप्शन, तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है स्मॉल लेटर में JIONET विदाउट एनी स्पेस, आपको एक साथ लिखना है JIONET, देन उसके बाद ओके कर दीजिए। APN भी कंप्लीट हो चुका है। प्रॉक्सी नोट सेट पोर्ट नोट सेट रहने दीजिए। आपको आना है यूजर नेम पर। आने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है AI कैपिटल लेटर में दोनों, एक स्पेस लगाना है। फिर आपको B कैपिटल लेटर में लिखना है और T स्मॉल लेटर में और एक स्पेस लगा के आपको यहाँ पर लिखना है 0.1, ठीक है। तो ये लिखने के बाद यूजर नेम भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है। पासवर्ड नोट सेट रहने दीजिए। सर्वर पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है www.gogle.com विदाउट एनी स्पेस, सब कुछ स्मॉल लेटर में होना चाहिए, देन उसके बाद ओके कर दीजिए। सर्वर भी कंप्लीट हो जाएगा। आपको यहाँ पर डायरेक्ट नीचे की तरफ आना है। आने के बाद दिख जाएगा ऑथेंटिकेशन टाइप का ऑप्शन, तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद सेकंड पर आपको दिख जाएगा PAP का ऑप्शन, तो इसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको दिख जाएगा APN टाइप का ऑप्शन, तो इसको चेड़ना नहीं है। आपको आना है डायरेक्ट नीचे की तरफ। यहाँ पर आपको दिख जाएगा APN प्रोटोकॉल का ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको IPv4/IPv6 सिलेक्ट करना है। APN रोमिंग प्रोटोकॉल आपको सेम IPv4/IPv6 सिलेक्ट करना है। आपको डायरेक्ट नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा BRR का ऑप्शन, तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए। सबसे पहले आपको अनस्पेसिफाइड को हटाना है और उसके बाद आपको LT से लेके GPRS तो सिलेक्ट करना है। जैसे ही मैं कर रहा हूँ, सेम टू सेम आपको सिलेक्ट करना है, कोई भी छेड़खानी नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया है, सेम टू सेम आपको करना है, देन उसके बाद ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद ये जो APN है पूरी तरह से रेडी हो चुका है। तो अभी आपको मोर के ऑप्शन पर टैप करके इसको सेव करना है। सेव करते ही आप देख सकते हो सबसे ऊपर हमारा जो न्यू APN है वो आ चुका है, तो इसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से बैक कर देना है। बैक करने के बाद आपको डाटा ऑन करके देखना है कि आपका इंटरनेट स्पीड कितना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक करना और चैनल पर न्यू हो इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।